अन्नपूर्णा उत्सव है, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जो 5 किलो अनाज बांटा जा रहा है उस पर जो है फोटो लगे हुए उस थैले पर मोदी जी का, मनोहर लाल जी का और दुष्यंत चौटाला का, ये फोटो लगा के प्रचार करने के लिए 5 किलो अनाज दिया जा रहा है और उसमें ये है, पूरा कैलकुलेशन है इसमें पेपर में, 96 रुपये का तो अनाज है और वो खर्चा है प्रति व्यक्ति 100 रुपये आएगा, 100 रुपये का खर्चा। इसमें जो है डिपो पर जो पूरी सजावट के साथ करके और वहाँ बाकायदा हरे का फोटो भी खींचेंगे, सोशल मीडिया पर वायरल भी होगा, तो ये 100 रुपये का खर्चा 5 किलो अनाज के लिए एक गरीब आदमी को यूज़ किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि गरीब आदमियों के जो बगैर छत के जो वायदा किया था, गरीब आदमियों को छत नहीं दे रहे, मकान नहीं लोगों के, गरीब आदमियों के पास उनको दे नहीं रहे। गरीब आदमियों का सरसों का तेल जो पिछली कांग्रेस सरकार दिया करती वो नहीं मिल रहा, मिट्टी का तेल सरकार पिछली दिया करती कांग्रेस सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में मिला था वो नहीं मिल रहा। भूपेंद्र हुड्डा ने दाल रोटी का प्रोग्राम किया था, दाल दी थी, वो दाल नहीं मिल रही, वो तो ख़त्म कर ली। 5 किलो अनाज का इतना भारी प्रचार है, जो ये सुविधा ली गरीब आदमी, उज्ज्वला योजना का तो प्रचार कर दिया, लेकिन आज गैस किस भाव है, आज जो है कितने लोग उस गैस को ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, सिलेंडर भरवा रहे हैं, इस बात का कोई आंकड़ा नहीं सरकार दे रही। तो ये तो गरीब आदमियों के लिए, तो उडास की सरकार ने जो है प्लॉट दिए सब गांव में गरीब आदमियों को, कहाँ वो प्लॉट, अब कोई भी गरीब आदमी के हक की कोई पॉलिसी इसने लागू नहीं की, सिर्फ 5 किलो अनाज देकर उनको यूज़ करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ ये गरीब के साथ मद्दा मजाक है, ऐसा मजाक सरकार को नहीं करना चाहिए। और यदि सरकार गरीबों का भलाई करना चाहती है तो उनको नौकरी दें, रोज़गार दें, रोज़गार मेले लगाएं, ताकि गरीब आदमी अपना परिवार का पेट पाल सके, 5 किलो अनाज से पेट नहीं पलता है। हुड्डा साहब के राज में पर राशन कार्ड 35 किलो अनाज मिलता था, पर राशन मिलता है, एक आदमी हो चाहे उसमें दो हो चाहे तीन हो चाहे चार हो, लेकिन इस राज में पर व्यक्ति 5 किलो कर दिया, मतलब 3 आदमी होते 15 किलो मिलेगा, जबकि हुड्डा साहब के राज में 35 किलो मिलेगा, मतलब राशन घटा दिया, प्रचार ज़्यादा कर दिया। एक तो इनकी ये पॉलिसी है और दूसरा इसके अलावा और भी बहुत मामले हैं। आज के दिन किसान के लिए खाद नहीं है, किसान को खाद नहीं मिल रहा, मारा मारा फिर है, लोगों की लाइन लगी है पूछने वालों की, अगर दुकान पे खाद है कि नहीं, सोसाइटी में खाद है कि नहीं, लेकिन वहाँ खाद नहीं है। आज किसान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। और ये जब बीजेपी की सरकार आई थी, आपको पता होगा थानों में लाइन लगी थी, थानों में खाद थानों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, वही हालत अब करती। अब ये कहते हमने पूरा इंतज़ाम कर दिया, कहाँ इंतज़ाम है, खाद ही नहीं है, किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, एक बैग नहीं मिल रहा। तो भाई ना खाद है, मेडिकल की सुविधा देखो गुहाड़े के अंदर, ना तो अल्ट्रासाउंड काफ़ी दिनों से जो है मेडिकल कॉलेज में महीने से ऊपर अल्ट्रासाउंड वहाँ हो गए, कितने दिन हो गए, और यहाँ सिविल हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड नहीं है, गरीब आदमी कहाँ जाए, और कोई डॉक्टर नहीं यहाँ, लोगों को जो ना कोई न्यूरोसर्जन नहीं, कोई ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं, कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, मेडिकल कॉलेज तीनों बीमारियाँ, कोई डॉक्टर नहीं, तो इसको बूचड़ खाना बना के रख दिया। सरकार इन पर तो पूरा ध्यान दे रही है, इन थैला बांटने पर, लेकिन सरकार
गरीब आदमियों के इलाज के लिए, गरीब आदमियों पढ़ाई के लिए क्या बुलाया था, किताबें कहीं आई, कोई चीज़ होया वो देंगे, टैबलेट क्या कहते हैं इनको, वो देंगे पढ़ाई के लिए, वो जो है टैबलेट टैब देंगे, कहाँ गए, किसको मिला? मतलब प्रचार प्रचार है अखबारों में, तो ये सिर्फ प्रचार के, प्रचार की सरकार है, काम धरातल पर कोई काम नहीं, सिर्फ प्रचार करती है। और भाई किसानों के तो सबसे विरोधी रही है सरकार, आज कितने किसानों में, किसानों की डेथ हो चुकी है बॉर्डर्स पर और कहीं, लेकिन एक शब्द प्रधानमंत्री ने इस देश के किसानों के लिए नहीं कहा। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, आज किसान सर्दी गर्मी और ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करते हुए, बरसात इनमें जो है वहाँ लगभग 9 महीने हो गए वहाँ बैठा है बॉर्डर पर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। एक फोन की कॉल की दूरी पर बैठे प्रधानमंत्री कॉल नहीं कर रहे, लेकिन ये देश के लिए भी घातक है अन्नदाता के साथ ऐसा व्यवहार, और आम पब्लिक के लिए। और आने वाले समय में अगला जो सेशन आएगा, सेशन के अंदर जो है हम जो है सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का, उसके बाद जो है बेरोज़गारी भी की समस्या भी इस देश में, इस प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश बेरोज़गारी में सबसे ऊपर है, महंगाई का मुद्दा है। आज महंगाई का जो है इतना बुरा हाल है, कोई चीज़ गरीब आदमी मार्केट से 2 वक्त की सब्ज़ी नहीं ले खा सकता, सब्ज़ी से रोटी नहीं खा सकता, इतनी बुरी महंगाई है। महंगाई का मुद्दा है, और सरकार में सबसे ज़्यादा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। कोई भी काम किसी भी दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में बगैर पैसे के नहीं हो रहा, किसी मामले में देख लो, कोई सुनने वाला भी नहीं है, ऊपर से नीचे तक कोई सुनने वाला नहीं। आज आम जनता परेशान है इस बीजेपी सरकार से, और बीजेपी सरकार के इनके मंत्रियों को, MLAs को लोग गांव में नहीं जाने देते, गांव में इनको घुसने नहीं देते हैं, और ये कहते कि हम सबका भला कर रहे हैं, कहाँ भला कर रहे हैं। तो भाई मैं ये सब सरकार से चाहूँगा, एक किसानों के लिए केंद्र सरकार से और हरियाणा सरकार से, किसानों को जो है राहत देकर, किसानों की मांगों को मानकर ये तीनों कानून रद्द करके, इसको रद्द करके किसानों को, किसानों की मांगों को माने। और एक बात प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के भाषण में कही है, लाल किले के भाषण में एक बात कही है, छोटा किसान और बड़ा किसान, किसानों को बांटने की बात कही है। उन्होंने कहा हमने छोटे किसानों के लिए, भलाई के लिए जो है ये कानून बनाए हैं। भाई छोटा किसान, 1-1.5-2 किले का किसान अपनी जिनस को दूसरी स्टेट में ले जा सकता है, वहाँ बेच, वहाँ उसकी मंडी में वो जा सकता है? छोटा किसान जो है, क्या एक कानून है स्टोरेज का, ज़्यादा स्टोर करने का, बाद में बेचने का, भाई बाद में बेचने का, क्या छोटा किसान अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए बेचेगा या स्टोर करेगा? रोटी खाने के लिए उसे ज़रूरत है, दवाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, उसको तो फौरन बेचना पड़ेगा, स्टोर करने की उसकी कैपेसिटी है क्या? तो सवाल दो ही बैठते, क्या किसान यदि ये कहते हैं हमने मुक्त व्यापार कर दिया, किसी स्टेट में ज़मींदार ले जाओ, तो क्या छोटा ज़मींदार की ये हैसियत है कि वो उसको कहीं दूसरी स्टेट में ले जाकर बेचे? कितना मुनाफा होगा, कितना किराया भाड़ा लगेगा, कितना उसको परेशानी होगी? और उसको क्या छोटा किसान उसको स्टोर कर सकता है? तो ये लोगों को बहकाने, बहुत बहका लिया, लाल किले से पहले भी कई बार झूठ बोला है, अब भी ये झूठा ही भाषण है। तो मैं ये कहता हूँ कि किसान की मदद करें, किसान देश का अन्नदाता, हमारी देश की पर हरियाणा की इकोनॉमी किसान पर डिपेंडेंट है, यदि किसान के पास कुछ नहीं होगा तो यहाँ दुकान के दुकानदार के पास भी कुछ नहीं होगा, यहाँ भी सेल नहीं होगी, तो इसलिए हरियाणा में किसान का जो है सर्वाइवल ज़रूरी है, देश का, देश में भी किसान। आज जीडीपी में केवल किसान की जीडीपी पॉजिटिव थी, प्लस में थी, बाकी सारे जो है
डाउन चली गई थी, सारे नेगेटिव में गई थी, किसी भी कोई इंडस्ट्री नीचे थी और सेक्टर नीचे थे, केवल किसान की जीडीपी जो है ये अप में थी। आज उसको भी ये ख़त्म करने जा रही है।